राधे राधे फ्रेंड्स, आज बहुत ही खूबसूरत ट्रायंगल पाउच, बहुत ही सरल तरीके से सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला पाउच। फ्रेंड्स चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो, जिसके लिए हमें कोई भी मनपसंद कपड़ा ले लेना है, एक चैन ले लेना है। अगर आप वाटरप्रूफ बनाना चाहते हैं तो प्लास्टिक की बोरी भी ले सकते हैं। और लाइनिंग रहेगा 11.5 बाई 12.5 बाई 6.5 का रहेगा। किनारे के एजेस हम काट लेते हैं एक्स्ट्रा। अब हमें क्या करना है, जीप को रनर निकाल लेते हैं जीप का, और हमें किनारे किनारे जो साइड साइड है इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमें दोनों तरफ से स्टिच कर लेनी है। ये देखिए, बस सीधी सिलाई चला लेनी है। फ्रेंड्स इधर साइड का भी चला लेंगे, राइट लेफ्ट दोनों साइड का। हमें चलाने के बाद इसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा जो हमारा 12.5 इंच का है उसको रखेंगे। अब रखने के बाद फ्रेंड्स इधर हमें दोनों साइड में स्टिचिंग करना है। पहले एक साइड लगा लेते हैं, अब फ्रेंड्स दूसरी साइड लगाएंगे। अब इसको पलट के हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है दोनों साइड में, दोनों जीप में हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। फ्रेंड्स ऐसे सेट करते हुए कपड़े को टॉप स्टिच लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें रनर भी ऐड कर लेना है। दोनों कपड़ों को मिलाते हुए रनर डाल लेंगे। रनर लगते ही फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें 10 इंच का स्ट्रिप तैयार करना है। 10 इंच के स्ट्रिप को हमें चैन के नीचे लगाना है। इसके पहले हमें सेंटर माप लेना है। देखिए पाउच को ऐसे करके फ्रेंड्स चैन वाला साइड ऊपर रहेगा, और हमें सेंटर का मार्क निकाल के अब चैन को बीच में ला के उसी सेंटर मार्क में हमें मिला लेना है। और यहाँ पे जहाँ पे बीच का सेंटर है फ्रेंड्स, जहाँ से जिप खुलता बंद होता है, वहाँ पे हमें 10 इंच का स्ट्रिप लगा लेनी है, लूप लगा लेनी है। आप छोटा भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। अब हमें एक बार स्टिच कर लेना है ताकि लूप हमारा इधर उधर ना हो स्ट्रिप। अब हमें पाइपिंग के साथ इसको फिनिश करना है, पाइपिंग भी लग जाएगा और हमारा साइड का सिलाई भी हो जाएगा। सिलाई करते हुए इसको हम ये देखिए वापस से फोल्ड करके एक और फोल्ड, फिर से फोल्ड करके फिनिशिंग देते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, ऐसे वीडियो लेके हम फिर आते रहेंगे। फ्रेंड्स हम अब दूसरे तरीके से अब हमें चैन के साइड में फोल्ड करके वापस से पाइपिंग लगा के हमें फिनिश करना है। ये देखिए ऐसे फोल्ड करके दूसरे साइड में हमें ठीक विपरीत में फोल्ड करना है ताकि हमारा ट्रायंगल शेप आ जाए, आप वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम पलट लेंगे, हमारा पाउच पूरी तरीके से सरल तरीके से बन के रेडी हो गया है। आप अपने ब्लाउज के कपड़े, अपने साड़ी के कपड़े का मैचिंग से आप बना सकते हैं और वियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कपड़े मार्केट में आते हैं, आप उससे बना सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। फ्रेंड्स ऐसे वीडियो लेके फिर मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।